हेदा लवीज, हाउ आर यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, बढ़ते हैं, आज आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज चेक करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, योर क्रश, जिनसे आपका अफेक्शन है, लव है, आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस, जिनके साथ आप अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जिसके साथ आप अपना कनेक्शन जानना चाहते हैं कि आज वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। तो आप उनके बारे में सोचिए, अच्छे मेमोरीज़ के बारे में सोचिए, अच्छी यादों के बारे में सोचिए, कनेक्ट करके देखते हैं और जानते हैं कि आज वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ध्यान रखिए, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करें, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें, तो अपनी एनर्जीज पर ध्यान दीजिए और जो बातें आज आप यहाँ से रेजोनेट कर पा रहे हैं उस पर वर्क करें। थिंक अबाउट अ स्पेसिफिक सिचुएशन और देखते हैं कि आज आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। एक बात और, अगर आप रीडिंग्स देख रहे हैं तो रीडिंग्स को क्लेम करना ना भूलें। क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूं, रेमेडीज पोस्ट करूं, कोई भी अपडेट पोस्ट करूं, आप तक सबसे पहले अपडेट पहुँच जाए। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ और देखते हैं कि आज आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज आज क्या है, इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, आपके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। चलिए चेक करते हैं, डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। ओके, वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स सेकंड कार्ड, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट वी हैव फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम डेक वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओ माय गॉड, आज इनकी एनर्जीज थोड़ी डाउन ज़्यादा है। जी हाँ, सारे कार्ड्स हमारे सामने हैं, आप ये देख सकते हैं। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है मुझे इनकी तरफ से आज पार्टनर के एंड से कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको लेकर हॉट एंड कोल्ड हो रही है, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत डाउन, कभी एकदम से कांटेक्ट, कभी एकदम से नो कांटेक्ट। और ये इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अनश्योर है, पर्सन आपको लेकर डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। आज इनकी एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही है कि ये बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हैं, ये रात भर बिल्कुल भी सोए नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव बिहेवियर आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं। करेंटली देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। मैं क्या करूँ, मैं कैसे ठीक करूँ, मैं कैसे पॉजिटिव करूँ, एक ऐसी एनर्जी के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ ये खुद समझ नहीं पा रहे कि मैं अपनी तरफ से कैसे चीज़ों को बढ़िया करूँ। सामने से जहाँ इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए वहाँ ये इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें आप दोनों के बीच में पास में हुई हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा है, एक रिग्रेट दिख रहा है, एक डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है कि ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया। एक वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है। जब इंसान कोई गलती कर देता है या जब इंसान कोई कुछ चीज़ों की वजह से अच्छा टाइम भी नेगेटिव कर देता है, एक वो रिग्रेट इनके अंदर दिख रहा है। और ऐसा क्यों लगता है कि उस चीज़ के लिए सामने से माफ़ी मांगेंगे, ये उस चीज़ के लिए सामने से बोलेंगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत कर दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक ऐसा गिल्ट आज मुझे इनके अंदर हाइलाइटेडली दिखाई दे रहा है और ये चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी दिख रहे हैं। लेकिन वो क्यूरियस तब हो पाएंगे ना जब वो सामने से इनिशिएटिव लेंगे, जब वो सामने से एफर्ट्स लगाएंगे, जो कि ये लगाएंगे मे बी विद इन फ्यू वीक्स में, इनकी तरफ से 7 डेज के अंदर इनकी तरफ से किसी प्रकार का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन मैं बोलूँगी अभी चीज़ों के पीछे रश बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जो गिल्ट इनके अंदर दिख रहा है,
क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये आकर चीज़ों को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। अनश्योरिटी तो है राइट, क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे स्टेबल करूँ, कैसे बढ़िया करूँ, वो चीज़ तो कहीं ना कहीं इनके अंदर डाउन है, वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके अंदर नेगेटिव है। बट अगर फ्यूचर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ये टाइम देंगे इस रिलेशनशिप को, ये इन्वेस्ट करेंगे इस रिलेशनशिप के अंदर, और ये दिखाई दे रहा है कि यू नो नो मैटर हाउ मच थिंग्स हैव बीन नेगेटिव बिटवीन बोथ ऑफ यू, बट एट द एंड ऑफ द डे आज वो यू नो दया, एक वो इनोसेंस जो होता है कि नहीं मुझे जाना है, ठीक करना है, स्टेबल करना है, आज भी वो चीज़ आपके पार्टनर के अंदर हाइलाइटेडली दिखाई दे रही है। तो अगर आप उनमें से हैं जो ये सोच रहे हैं कि यू नो इट इज़ द एंड, या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, या चीज़ें सही नहीं हो सकती, या रिलेशनशिप नेगेटिव हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। अगर आप टाइम देते हो, अगर आप समय देते हो, आई एम डैम श्योर किसी प्रकार का पॉजिटिव चेंज आपको आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप के अंदर देखने को मिल सकता है। डू नॉट चेज हिम, डू नॉट फोर्स हिम। जितना आप उनको फोर्स करोगे, जितना आप उनको समझाने की कोशिश करोगे ना, वो एक ऐसी पिक्चर में जहाँ वो समझेंगे नहीं, वो एट द एंड ऑफ द डे आपको ही यू नो क्या बोल सकते हैं, ब्लेम करेंगे, आपको ही लेकर थोड़ा नेगेटिव हो जाएंगे। सो इट इज़ बेटर कुछ भी अभी उनको ना बोले, राइट, कोई इनिशिएटिव अभी ना लें, वो जैसे चल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। सामने से जितना आप उनको समझाने की कोशिश करोगे, सामने से जितना आप उनको बोलोगे, यू नो वो अभी भी अपना नेगेटिव बिहेवियर दिखाएंगे। इट्स बेटर कि अगर उनको इतना रिग्रेट हो रहा है या तो डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, तो सामने से आके बात करें, और वो करेंगे क्योंकि वो करना चाहते हैं। इनिशिएटिव तो मुझे दिखाई दे रहा है, तो अगर भली चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, धीरे धीरे यू नो चल रही हैं, मैं बोलूँगी चलने दीजिए, उस चीज़ को लेकर नेगेटिव मत फील करिए, या उस चीज़ को यू नो उस चीज़ को अवॉइड मत करिए, ठीक है। चलिए लेते हैं एंजल गाइडेंस इस सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें इस सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए डिवाइन, इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। रुको मत, डू नॉट स्टॉप का कार्ड आया है, डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ, वट एवर इज़ हैपनिंग, वट एवर इज़ गोइंग ऑन, आपको अपने आप को रोकना नहीं है। ये भली अभी सही टाइम नहीं है बात करने का, रिजॉल्व करने का, मैंने कहा ना वो खुद आएंगे, इसलिए आप पीछे मत भागो। आप जितना पीछे रश करोगे, यू नो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव। अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आपको बिलीव है, तो जो आप डिज़ायर कर रहे हो उस रिलेशनशिप के अंदर, वो ऑटोमेटिकली बढ़िया होगा। वो अपने आप चीज़ों को रिकन्सिडर करेंगे, अपने आप चीज़ों को समझेंगे। तो वेट करो, अभी डिसीजन मत लो, अभी एकदम से पीछे मत भागो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर अपन वेट करते हैं, आई एम डैम श्योर आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा स्टेबल होगा और पॉजिटिव होगा। तो आज ये कुछ चीज़ें हमें रिलेशनशिप के पिक्चर में दिखी हैं। अब बढ़ते हैं नए वीडियोस की तरफ। ध्यान रखें आज कुछ बातों का, जो मैसेज ऑफ द डे आया है आपके रिलेशनशिप के लिए, जो करंट एनर्जीज के थ्रू गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स एंड एंजल्स के थ्रू, तो इस पर ध्यान दीजिए, इस पर वर्क करिए। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, खुद से बहुत प्यार करें, वीडियो को ज़रूर प्यार दें, सपोर्ट दें। रात को मिलेंगे न्यू रेमेडी के साथ, जी हाँ न्यू रेमेडी के साथ, तो आप उसे चेक करना ना भूलें। राधे राधे।